में चुनावी शोरगुल के बीच सांवेर क्षेत्र में कई ग्रामीण इलाकों में माता भक्ति में लीन बच्चियों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शक्ति की उपासना की जा रही है। एक तरफ जहां सांवेर क्षेत्र में चुनावी माहौल है और कोरोना संक्रमण का भय है, वहीं माता भक्ति इन सब पर नवरात्रि के अंतिम दिनों में हावी हो रही है। इसी कड़ी में सांवेर सहित कई ग्रामीण क्षेत्र में डांडिया की धूम मची है। जी हाँ, इस वक्त आपको स्क्रीन पर जो नजारा दिख रहा है यह धर्मपुरी के श्री शक्ति नवयुवक मंडल का है, जहाँ कोरोना और चुनावी हल्ले पर माता भक्ति भारी पड़ रही है। माता जगदम्बा की भक्ति में लीन युवतियों व बच्चियों द्वारा एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी गई। एक्सटेंशन शॉट आपको बताना चाहेंगे कि कोरोना के चलते आयोजनों पर प्रतिबंध है, लेकिन कोरोना से बचाव के नियमों के पालन के साथ कुछ समय के लिए गरबे किए गए। गरबे के बाद सभी से उपचुनाव में मतदान करने की भी बात कही गई, यानी कि उपचुनाव को लेकर जागरूकता भी फैलाई गई। कैसे गरबा कर रहे हैं आप यहाँ पर आज? हम मास्क लगा के गरबा कर रहे थे, पर हमको हवा लेने में थोड़ी तकलीफ आ रही थी, इसलिए हमने अभी थोड़ी देर के लिए मास्क निकाल दिया। चैलेंज भी कर रहे हो, थोड़ी थोड़ी देर में सैनिटाइजर भी कर रहे हैं। आपका नाम? पलक चौहान। कौन सा गाँव है ये? ग्राम धर्मपुरी। हमारे द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया है गरबा माता की भक्ति के लिए। हमने यहाँ पर थोड़ी देर के लिए गरबा खेला है। हमने यहाँ पर 9 दिनों में नहीं गरबा खेला है, हमने सिर्फ यहाँ पर एक दिन के लिए गरबा खेला है। और हमने इसमें बहुत से नियमों का पालन भी किया है, जैसे कि हमने मास्क लगाया था, लेकिन हमें गरबे खेलते वक्त मास्क नहीं लगाया क्योंकि हमें ब्रीफिंग में तकलीफ होती है इसलिए। और हमने यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग भी रखी थी और क्या, बार बार हमने हाथों को सैनिटाइजर भी किया था। अभी चुनाव आ रहे हैं तो हमें चुनाव आ रहे हैं तो मेरा आप किसी को भी वोट दें, परंतु वोट मतदान करने जरूर जाएं। तमन्ना शर्मा, धर्मपुरी।